हाय रीमा एंड अक्षित, वेलकम ऑन टुडे स्पीक्स। हाय, थैंक यू। हाय हाय, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? फना सीरियल आने वाला है, एक्साइटमेंट है? यस, काफी एक्साइटमेंट है, काफी फ्रेशनेस फील कर रही हूँ मैं, बिकॉज यू नो न्यू न्यू स्टार कास्ट। इवन दो ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि पहली 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 बार हम किसी से मिल रहे हैं या पहली बार काम कर रहे हैं। यू नो पहले दिन जो ऑकवर्डनेस होती नहीं, है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ऑकवर्ड ज्यादा टाइम मुझे बिल्कुल नहीं ऑकवर्ड तो लगा। हुई नहीं, बट 2-3 दिन में वी वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, थ्री ऑफ अस। और इस समय भी कोविड भी सडनली वापस से आ गया है, तो फिर से वही प्रिकॉशंस वगैरह चल रहे हैं सेट पे? कैसे शूटिंग वगैरह कर रहे हो आप लोग? प्रिकॉशंस तो यार, जब कोविड थोड़ा सा शांत हो गया तब भी लेते तब ही भी रहे हो हम। रहा था। हाँ, वही सेम चीज है कि पूरा प्रोडक्शन टीम सैनिटाइज करके रह रहे हैं, मास्क ऊपर है, एक्टर्स के ज्यादा आसपास नहीं है, एंड वो सब चीजें सेम चीज है। और बट एक्चुअली यूनिट भी कम है, द पीपल या नंबर ऑफ द यूनिट। पीपल आया लेस। ओके ओके, स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी बहुत अमेजिंग है, बहुत कैची है एंड बहुत डिफरेंट है अदर सीरियल्स के कंपैरेटिवली। तो मुझे बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में जब सीरियल आप लोग शूट करते हो तो कैसा फील होता है? क्योंकि बहुत ही इंटेंस लवर दिखाया है, बहुत क्रेजी एक इंसान दिखाया जो फॉलो करता है। शूटिंग के दौरान कैसा लगता है ये सब चीजें करते हुए? काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यू नो समथिंग व्हिच इज नॉट बीन पोर्ट्रेड ऑन टेलीविजन बिफोर। तो यू नो काफी मजा आ रहा है कुछ अलग करते हुए, बिकॉज डेली ड्रामा नहीं है जैसा हम हमेशा देखते आ रहे हैं। सो फॉर थ्री ऑफ अस, एवरी सीन इज वेरी डिफरेंट एंड एवरी सीन इज वेरी चैलेंजिंग। एंड हम काफी नेचुरली यू नो बहुत छोटे छोटे नेचुरल नुआंसेस है हर हमारे हर सीन में, विच इज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट आवर शो। जैसे हमने जो कल जो हमने सीन किया, दैट वाज अ वेरी स्मॉल सीन, एंड हम जैसे खुद बात कर रहे हैं वैसे ही करते करते वो सीन हो गया। हाँ, ओके। तो अक्षत, मैं ये जानना चाहूंगी, आप अपना रोल थोड़ा सा बताइए, मतलब क्या है आप? नेगेटिव कोईशान इज अ क्या? डॉक्टर, ही इज अ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड ही इज अ कॉन्फिडेंट जेनरस गाय, वेरी फोकस्ड गाय। एंड अभी तक वो अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर इतना सीरियस नहीं होता था, वो अपनी यू नो हॉस्पिटल लाइफ से काफी खुश था। बट वंस ही मीट्स पाखी, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड देन उसके बाद देन आवर स्टोरी स्टार्ट्स, कैसे अगस्त्या एंड पाखी के यू नो जो भी उनकी आपस में रिलेशन है, एक फ्रेंडशिप है, कैसे वो चेंज होती है, एंड देन कैसे वहां से थ्रिल मेन स्टार्ट होगा। यस, एक्चुअली तो पाखी आप बस एक बताइए कोई। हाँ, आपको लगातार, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? पाखी कुछ तो बोल रही मतलब है? एक आश्चर्य की वजह से 3 लोगों की लाइफ खराब हो गई। खराब हो गए हाँ एक की वजह से, तीनों कहीं ना कहीं परेशानी में होने वाले हैं। ईशान भी हाँ परेशान होगा, पाखी तो बीच में फंसी जाएगी, और अगस्त्या तो अपने फुल बीस मोड में आने वाले हैं। तो मैं वही जानना चाहूंगी कि पाखी, मतलब पाखी ही बोलूंगी आपकी, क्या वो इस नाम से फेमस हो चुकी हैं, तो ये रोल कर रही थी आप, ऐसे कोई रियल लाइफ में है कि कोई आपको फॉलो किया है कभी लाइफ में, आप किसी से बहुत नहीं, इरिटेट अच्छी विश, हैं? अच्छी विश। नहीं यार, मतलब इतना साइको नहीं, यू नो आई फील प्यार, लाइक यू नो पीपल टॉक अबाउट अनकंडीशनल लव एंड ऑल दैट, बट आई रियली फील दैट यू नो अनकंडीशनल होना चाहिए लव, बट नो रिलेशनशिप शुड एवर मेक यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक और स्टक, या फिर यू नो आपको बांध के नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बीइंग यू नो गिविंग अनकंडीशनल लव टू समवन, बट आल्सो नॉट टेकिंग अवे देयर लाइफ एंड नॉट कंट्रोलिंग देयर लाइफ। बिकॉज ज्यादातर हमने यही सुना है कि यू नो लोग एक दूसरे की लाइफ कंट्रोल करने लग जाते हैं, एक दूसरे की लाइफ यू नो चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से जिए, एंड देन दे एंड अप लूजिंग दैट पर्सन फ्रॉम देयर लाइफ। एंड यू नो आजकल जितने भी रिश्ते मैंने टूटते हुए देखे हैं, मुझे दो ही रीजन लगते हैं, या तो रिश्ता बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक और टॉक्सिक हो जाता है, या तो आई फील उस रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है क्योंकि उस रिश्ते में कभी दोस्ती नहीं थी। नाउ आई बिलीव दैट क्लीशेड लाइन दैट प्यार दोस्ती दोस्ती से पहले है। नहीं थी, प्यार से पहले दोस्ती होनी हाँ, चाहिए। बिकॉज दोस्ती बहुत या व्हिच इज इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, लाइफ या में। लाइक इफ यू हैव अ वी विल बी यू कंफर्टेबल विद ऑलवेज ईच अदर। मोस्ट यू आर ऑलवेज मोस्ट केयर टू लूज अ फ्रेंड देन अ लवर। या सो यू नो अगर आपके रिश्ते में दोस्ती है ना, तो आप वो रिश्ता कभी तोड़ना नहीं चाहेंगे, बिकॉज यू नो यू ऑलवेज वांट टू कम होम टू अ फ्रेंड रादर देन अ लवर। यू नो After दैट्स this, I'm एक्चुअली, taking tips from Reed. आई एम गोना राइट अ बुक अबाउट इट वेरी सून, सो या आई विल बी अ राइटर। तो रीमा और अश्रम ये जानना चाहेंगे कि जैन को जो हम देख रहे हैं वो लग रहा है कि बहुत एक पैशनेट और क्रेजी कोई इंसान है, शाहरुख की याद दिला रहे हैं कई मामलों में वो हमें,
एक्चुअल में सीरियल में क्या है उनका करेक्टर, इट्स अ प्रॉपर नेगेटिव सॉर्ट ऑफ या ग्रे या फिर एक कैसा है उनका? मैं इनको एक्चुअली कोई शेड दूंगी नहीं, यू नो ज़ेन का जो कैरेक्टर है, आई विल नॉट गिव हिम एनी शेड. ही इज सनकी. ओके, ही इज सनकी. ही इज साइक. He's not negative. He has other sides also. I guess. Yeah, good side. Yeah. So his kindness is, you know, he's actually a good person. So na to ye black hai, na to ye white hai. Gray bol sakte hain aap, but Agastya ka character slip hota hai with like the reasons which you'll get to see. Yeah. Okay. Akshat, आप कभी real life में ऐसे आपने किसी को follow करा है? अरे नहीं 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 किया है. ना ही किया है, ना ही कभी करेंगे. And I don't believe in this. जैसा कि रीना कहा कि किसी के पीछे आप कैमरा कैसे लगा सकते हो यार, मतलब this is अपनी personal life को, you know, so नहीं, not at all. ये तो कभी मेरे सपने में भी नहीं आया होगा. Not that camera वाला craze, but हाँ, किसी को follow, कोई crush हो ऐसा जिसको आप बहुत पसंद करते हो. I'm not a psycho lover. I won't be ever. No, I'm not asking if you are a psycho lover. I'm just asking कि कोई क्रश होगा, किसी को फॉलो करते होंगे बचपन में या अभी. आई एम सिंगल, बट कभी कोई क्रश है भी और था भी तो कभी नहीं यार, कभी फॉलो नहीं किया, ना स्कूटी के पीछे भाग भाग किसी को फॉलो किया, नहीं. ओके, तो ज़ैचुअल में कैसे हैं? वो है नहीं तो अभी हम उनसे मिल नहीं पा रहे, तो वो बताइए कैसे हैं, ऑन सेट कैसे हैं और कैसा नेचर है उनका? Zen is fun. He's filled with humor and, you know, he is very humorous. He keeps on cracking jokes. वो मस्ती करते रहते हैं सेट पे हमारे साथ भी और बाकी सबके साथ भी. He's a fun loving guy यार, मतलब जितने साइको और जितने सीरियस. Totally opposite. उसमें दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है वो. So he's very fun loving. Okay. जब सीरियल कोई स्टार्ट होता है तो उसको बांध के रखना ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी, ऑडियंस को बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग आ रहे हैं. तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, ट्विस्ट टर्न्स, क्या कुछ होने वाला है जिससे ऑडियंस बिल्कुल बंद के देखे इसको? ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आई गेस आपको एक ही एपिसोड में बहुत सारे दिख जाएंगे. हर एपिसोड में एवरी अदर सीन देयर इज सम ट्विस्ट एंड टर्न. लेकिन मेजर वाला भी बहुत जल्द आ जाएगा. या yeah. काफी जल्दी. नो, इट्स नॉट दैट स्टोरी ड्रैग नहीं होगी हमारे शो की. हमारी स्टोरी इट्स गोना बी वेरी क्रिस्प. इट्स गोना कीप यू एट द एज ऑलवेज. एंड मोर देन ऑडियंस को बांध के रखने का टाइम तो तब आएगा जब शो को एक महीना हो जाएगा. यू नो, अभी फिलहाल शुरुआत में आई थिंक वी ऑल आर मोर फोकस्ड के एज कैरेक्टर्स हम ऑडियंस से कनेक्ट बना पाए पहले, और फिर एक वो होगा कि हम अब वो कनेक्ट बांध के रख पाए और कंटिन्यू रख पाए इवन आफ्टर द शो. यू नो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. ओके, तो अभी ये सब चल रहा है, आगे कोई प्रोजेक्ट ऑफकोर्स अभी तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ ऑफर है या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं आप दोनों के लिए? नो, एट द मोमेंट हम सब टीवी में, एक्चुअली ये चीज है ना, जब एक टीवी कर रहे हो तो कॉल आते ही नहीं है कि सर ये करोगे या नहीं करोगे, उनको पता है बिजी ऑलरेडी. सो नथिंग एज सच, छोटी मोटी चीजें तो यार लाइंड अप रहती हैं, बट नथिंग बिग. ओके, क्या कुछ नया साल शुरू हुआ है, क्या कुछ सोचा है इस साल में करने के लिए, कुछ रेजोल्यूशन बनाया आप लोगों ने? यार रेजोल्यूशंस ना, लाइक आई नो पीपल से नया साल है, मैं ये वो ये वो, बट आई थिंक अ पर्सन कैन जस्ट चेंज एनी टाइम. ऐसे यू नो नए साल का कुछ मैं ऐसे कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती नहीं हूँ. मुझे जब कुछ ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में गलत जा रही हूँ, मैं तभी के तभी बदल देती हूँ. बट यस, आई एम ग्लैड दैट आई हैव स्टार्टेड विद योर विद वर्क एंड दैट टू सच अ बिग प्रोजेक्ट. इट्स एक्चुअली अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर एनी पर्सन राइट नाउ, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू वर्क इन दिस सिचुएशन. आई एम ग्रेटफुल टू बी in the industry, because sustain kar pana itna aasan nahi hai, and especially as I said that, you know, television mein to kafi options hai, because you know itne channels hai, utne time slots hai, itne shows bante hai, so it's not that easy to sustain in this line. So yeah, I'm proud to be a TV girl. Kya baat hai, zyada time nahi lungi aap dono ka, bas itna zarur janna chahungi ki आप लोग खुद कैसा शो देखना पसंद करते हैं? ये तो है ही नया कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग, बट आप लोग क्या फॉलो करते हैं? ठीक है, सो आप लोग कैसा शोज पसंद करते हैं, क्या फॉलो? आई लव रोमकॉम, आई लव थ्रिलिंग शोज, बीट वेब और मूवीज और मे बी टीवी आल्सो. ओके, और इस एक्चुअली सिमिलर रोमकॉम पसंद है. आई एम अ सकर फॉर रोमांस एक्चुअली, सो आई लव वाचिंग रोमांटिक मूवीज और सीरीज, एंड आल्सो suspense and thriller, it really intrigues me, and kabhi kabhi horror movies bhi dekh leti hu.
तो हॉरर मतलब वो बिलीव करते हैं कि आप इन सब में हॉरर आई बिलीव इफ देयर इज गुड देन देयर इज बैड एज वेल सो या ओके और अक्षत आप भी बिलीव करते हैं क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में या ऑब्वियसली इट इज रियल बट मैं ये बिलीव करता हूं जब तक आप उनको परेशान नहीं करोगे दे वो क्या बात है तो बस हमें चलते चलते ये बता दीजिए कि ये इसमें और क्या कुछ देखना है थोड़ा सा कुछ अगर बता सके कि ये जो हमने प्रोमो देखा है वो तो हमें पता ही है और एक और चीज मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि इतने कैमरास जो हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं आपको मतलब जो ईशान है वो कैसे देख रहे हैं आपको कैमरास से ईशान नहीं अगस्त्य देख रहे हैं अगस्त्य सॉरी सॉरी बताओ कैसे देख रहे हैं तुम्हें सो पाकी की पूरी लाइफ यू कैन से दैट अगस्त्य ने खरीद रखी है because you know right from the people that Paki hangs around with except for Ishan se leke sab har koi Agastya ka plan kiya hua ya fir planted insaan hai Paki ki life mein so I think you know we as a team we have a lot to offer we have a lot to show and itna hi kahungi that ek time aayega show mein jahan pe aap shayad se you know खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि गलत कौन है सही कौन है बिकॉज़ पाकी जो करती है उसके पीछे उसके इमोशंस है ईशान जो करेंगे उसके पीछे ईशान के अलग इमोशंस है पर अगस्त्य जो कर रहा है उसके पीछे भी बहुत सारे इमोशंस है जिसके बारे में हम अभी बता नहीं सकते बट यस आई कैन गिव इट ऑन राइटिंग दैट एक वक्त आएगा जहाँ पे आपको कोई सही और कोई गलत नहीं लगेगा यू विल सिंपैथाइज विद एवरीवन एंड रोज के कमिंग अप में नेक्स्ट डे में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि ओ कल क्या होने वाला है यस ओके ओके तो मैं चलते ऑडियंस को बता दीजिए समय बता दीजिए कब से कब तक मंडे टू फ्राइडे सैटरडे कब तक आने वाला है प्लीज यस सो फना इश्क में मर जावा मंडे टू फ्राइडे 10:30 ऑन कलर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 31st जनवरी क्या बात है थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नए शो के लिए थैंक यू सो मच स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय यू टू बाय